तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन अ राइट ट्राइंगल। तो इसमें क्या होगा, आर इज फॉर राइट एंगल, एच इज फॉर हाइपो एंड एस इज फॉर एनी ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, एनी वन परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो राइट एंगल यानी कि ये हो गया दोनों में, एक तो ये दोनों में आपके कॉमन पार्ट बनता है, इक्वल पार्ट बनता है कि एंगल बी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ई। उसके बाद हाइपो आपने लेके चलना ही चलना है, सो दिस ए सी इज इक्वल टू दिस बी एस, ये आपका हाइपो हो गया। थर्ड है परपेंडिकुलर साइड, तो वो आपकी ए बी है अगर ली मैंने तो वो डी ई के इक्वल होगा। इफ यू से कि ट्राइंगल ए बी सी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो आपकी जो साइड ए बी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी ए है, दैट अगेन आप ऑर्डर से चेक करोगे, जो भी आप यहाँ पे ट्राइंगल के नेम्स दोगे उनके ऑर्डर से चेक करोगे कि कौन सी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आपकी बनती है। ए बी अगर मैं लेके चलती हूँ तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका डी ई है, देन अगर मैं साइड बी सी लेके चलती हूँ तो बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी साइड ई एफ होगी। जब हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, राइट एंगल दोनों में सेम होगा, हाइपो दोनों में सेम होना चाहिए, ये दोनों आपके फिक्स्ड हैं, यानी कि राइट एंगल और हाइपो ये फिक्स्ड हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सी साइड आप ले रहे हो। जब हम परपेंडिकुलर साइड की बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर साइड्स बन रही हैं, तो इनमें से आपको जो गिवन होगी दैट यू आर टू टेक, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली आपको लेके चलनी है। जैसे अगर ए बी है तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज डी ई, बी सी की बात करें तो बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज ई एफ। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, जहां पे आपका आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल दैट इज एप्लीकेबल टू राइट ट्राइंगल्स ओनली, वन राइट एंगल वन हाइपो एंड द वन जो परपेंडिकुलर साइड है दैट विल बी इक्वल, तो यू विल से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी लिखते हुए ऑर्डर मैटर्स अ लॉट, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। अब जितने भी हमने ये रूल्स किए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई रूल आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप फिगर बना लो, दिस इज योर ए बी, देन सी हमें गिवन है, अब उसमें वो क्या कह रहे हैं, इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि ये वाली साइड दिस इज योर ए सी दिस इज इक्वल टू बी ए डी, ये दोनों साइड्स मुझे इक्वल गिवन है, ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्स एंगल ए, ए बी जो है दैट बाइसेक्स एंगल ए, यानी कि ये दोनों एंगल्स एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका जो है यहाँ पे आप एंगल्स वन एंड टू मैंने यहाँ मेंशन किए हैं तो इट इज नेसेसरी टू शो देम इन द फिगर। सॉल्यूशन में आप एंगल वन एंगल टू लिखते जाओगे बट फिगर में अगर आप उनको नहीं दिखाओगे तो वो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। यस अश्मित मैम, एक्चुअली मैम मैम आई डोंट नो मैम व्हाई योर वॉइस ओनली आई एम एबल टू हियर इट मैम, योर वीडियो इज फ्रीज मैम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अश्मित यू आर नॉट ऑडिबल टू मी क्लियरली, एनीवन कैन इफ ट्रांसलेट इफ यू हैव अंडरस्टूड, एनीवन ऑफ यू कैन टेल व्हाट ही इज आस्किंग।
यस दिया, मैम ही इज सेइंग के योर स्क्रीन इज फ्रीज्ड एंड योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. इज इट सो विद यू आल्सो दिया? ओ मैम इट इज ऑडिबल. अश्विन आई थिंक यू विल बी हैविंग द नेट प्रॉब्लम. बच्चे यू रीजॉइन द मीटिंग, बिकॉज अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती बच्चे तो सबके लिए होनी थी. सो यू बेटर रीजॉइन द मीटिंग बच्चे. ओके सो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि फिगर में एंगल वन और एंगल टू आप जरूर मेंशन करो. देन इसके बाद हमें क्या वो कह रहा है कि शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी. आपको शो करना है ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी. सेकेंड, वॉट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? Once you have proved the triangles to be congruent, he is asking what can you say about BC and BD. So naturally, जब आपकी triangles congruent होंगी तो जो corresponding parts होंगे उसके वो भी equal होंगे. तो that we will see later on. यानी कि first हमने क्या करना है यहाँ पे, we are to prove this triangle ABC to be congruent to triangle ABD. उससे पहले हमें given लिखना है. गिवन में मुझे क्या क्या गिवन है? फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी. तो गिवन लिखेंगे आप, ये आपका सारा क्वेश्चन में से ही पार्ट निकलता है. तो क्वाड्रिलेटरल मैं इसको पॉइंट्स में लिखवाती हूँ, आप चाहो तो जैसे मर्जी, जैसे आपको कन्वीनियंट लिखे यू कैन राइट. एक तो मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, सेकेंड ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है, और थर्ड वो क्या कह रहे हैं कि ए बी जो है bisects angle A. तो मैंने यहाँ पे क्या imply किया इससे, that angle one is equal to angle two. AB क्योंकि angle A को bisect कर रहे हैं, मतलब उसको two equal parts में divide कर रहे हैं, तो मैंने उनको name दे दिया था angle one और angle two. तो यहाँ से क्या आ गया कि angle one जो है that is equal to angle two. तो angle one और angle two आपके equal हो गए. अब हम proof लिखेंगे, two proof. Two proof हमें क्या करना है? टू प्रूफ में वो हमें क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी. तो टू प्रूफ में आ गया आपका ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी. अब हमने प्रूफ करना है. तो जब भी ट्राइंगल्स हमने प्रूफ करने हैं, हमने ये चेक कर लेना है कि वहां पे क्या क्या मुझे इक्वल गिवन है. अब देखो ए बी सी की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज द ट्राइंगल. इसमें एक तो मुझे ये गिवन है, एक मुझे ये एंगल वन गिवन है, और दूसरी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो दैट इज दिस ट्राइंगल. इसमें मुझे ये और ये गिवन. तो दो ट्राइंगल्स में मुझे एक तो ये इनकी साइड्स इक्वल गिवन है, ये वाले एंगल्स इक्वल गिवन है, और अगर मैं इस फिगर को ऑब्जर्व करूं तो ये वाली जो मैंने ट्राइंगल्स, ये वाली मैंने येलो चौक से शो की, ये मैंने पर्पल चौक से शो की, तो ये येलो और पर्पल लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि वो सेम उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हैं, यानी कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब इसको मुझे लिखना है यहाँ पे. सो जिन जिन ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मैं वही लेके चलूंगी. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे एंड आएगा कॉन्ग्रुएंसी क्योंकि हम बाद में शो करते हैं. अब यहाँ पे मुझे ए सी और ए डी साइड गिवन है इक्वल, दिस इज गिवन. देन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये भी गिवन है. एंड थर्ड कंडीशन मैंने यहाँ क्या ली, ए बी इक्वल टू बी ए, दोनों में कॉमन है ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में, तो ए बी इक्वल टू चाहे ए बी लिख लो चाहे इक्वल टू बी ए लिख लो, कॉमन. दिस साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. तो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है. दिस इज द साइड, दिस इज द एंगल, दिस इज द साइड. तो एंगल क्योंकि इंक्लूडेड है दोनों साइड्स के बीच में, तो दिस इज एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल.
तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आल्सो यू कैन राइट डाउन, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, यही जो है वो हमने प्रूव करना. सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. अब इसके साथ ही उसने हमें एक चीज और इसमें पूछी हुई है, तो यहाँ पे उसने क्या पूछा, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो BC और BD की अगर मैं बात करूं, तो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. सो वी विल राइट डाउन ओवर हियर, सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू BD, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Corresponding part of congruent triangles, you know that are equal. So BC equal to BD. उसने हमसे पूछा था what can you say about BC and BD. So we are saying that BC is equal to BD. How we are sure कि ये दोनों equal होंगे? Because corresponding parts of congruent triangles are equal. So this was your question number 1. If any doubt is there, you can raise your hand and ask your doubt. सिंपली हमने इसमें SAS congruency रूल लगाया है. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC. हमें AD और BC इक्वल गिवन है. देन साथ में क्या गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, और हमें प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC. तो फिगर हमें गिवन है, देन ऑल्सो यू आर टू ड्रॉ द फिगर. चाहे वो आपको गिवन है, तब भी आप नोटबुक पे फिगर जरूर बनाओगे, गिवन जरूर लिखोगे, टू प्रूफ जरूर लिखोगे. और टू प्रूफ में कई बच्चे PROO लिख देते हैं, तो दैट यू आर टू टेक केयर ऑफ कि प्रूव में PROVE स्पेलिंग्स आते हैं, OO नहीं आता. तो फिगर मुझे गिवन है दैट वी विल मेक. This is ABCD. AC को join कर दो और BD को join कर दो. और अब हमें angles देखने हैं कौन कौन से given है. एक तो मुझे side AD equal to BC given है, given में आप ये लिख देंगे. Then angle DAB, angle DAB ये वाला angle, और दूसरी तरफ angle CBA. CBA. तो जब मैंने ये ड्रॉ की फिगर, मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि AB साइड कॉमन बन रही है दोनों जो भी ट्राइंगल्स में लूंगी. और मुझे ट्राइंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, ABD एंड BAC. तो दिस इज ABD ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा BAC यानी कि ये वाला. सो गिवन आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD. सेकेंड पॉइंट इसमें मुझे गिवन है AD इक्वल टू BC, और थर्ड मुझे इसमें एंगल गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA. ये दोनों एंगल्स मुझे इक्वल गिवन है. So after this, to prove, first part मुझे prove करना है triangle ABD is congruent to BAC. Second proof करना है that BD is equal to AC. And third part जो मुझे prove करना है that is angle ABD is equal to BAC. ये चीज मुझे शो करनी है. सो ट्राइंगल्स अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलूं, तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. ABD और BAC
दो ट्राइंगल्स मुझे गिवन है, ए डी और बी सी, ये मुझे इक्वल गिवन है. सो दिस इज गिवन. उसके बाद एंगल डी ए बी सी बी ए के इक्वल गिवन है. और थर्ड, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करूं, एक ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है ए बी डी और दूसरा मेरा ये ट्राइंगल बन रहा है बी ए सी, तो इन दोनों ट्राइंगल में ये ए बी जो है वो आपका कॉमन है. ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कॉमन पार्ट है. चाहे आप ए बी इक्वल टू ए बी लिख लो, चाहे ए बी इक्वल टू बी ए लिख लो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, कॉमन. अब फिर से देखो इसको ध्यान से. This is your side, this is your angle, this is your side. तो S A S. अगर मैं दूसरे triangle को देखूं, तो one side, one angle, one side. तो S A S. तो by S A S congruency rule, both the triangles are congruent. तो triangle A B D is congruent to triangle B A C. अब यहाँ सीक्वेंस में ध्यान दो कि मुझे एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल गिवन था, तो जहां ए आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका बी आ रहा है, ये ध्यान देना. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट हमारा क्या था, बी डी इज इक्वल टू ए सी. तो बी डी इज इक्वल टू ए सी मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो दिस इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू ए सी. एंड एंगल कौन सा है, थर्ड वाला जो मुझे प्रूव करना है, दैट इज एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी. एंगल ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल. तो दीज टू एंगल्स आर अगेन द corresponding parts of congruent triangles. So again this is equal. ABD is equal to BAC and reason आप क्या दोगे, by CPCT. और last में आप लिख दोगे hence proof. यहाँ पे single O है, ये ध्यान रखना proved में, hence proof. PROVED. So this was your second question. If any doubt is there, you can ask. अब third question का मैं सिर्फ आपको hint दूंगी that you will do yourself. So I hope you would have noted it down. Moving on to the third question now. In the third question, we are given AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. देखो, हमें गिवन है AD and BC are equal perpendiculars. ये दो जो हैं मुझे perpendiculars गिवन है. Perpendicular के names हैं आपके BC and AD. These are equal perpendiculars given. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? Show that to a line segment AB. तो ये AB line segment हो गई आपकी, तो D को हम इधर ले लेंगे. तो line segment AB पे AD and BC are equal perpendiculars. तो ये हो गया आपका. अब हमने क्या show करना है? That CD bisects AB, यानी कि अगर हम C और D को join कर देते हैं, तो CD जो है वो AB को bisect कर रही है, यानी कि we are to show that BO is equal to AO, ये हमें show करना है. तो given कौन बताएगा? क्या-क्या given है? हमें सिंपली क्या शो करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो कर देने हैं, तो हमारा काम हो जाएगा. यस दिया, गिवन बताइए बच्चे.
मैम एडी इज इक्वल टू बीसी. एडी इज इक्वल टू बीसी, वेरी गुड. एंड एंगल ए एंड एंगल इक्वल्स टू एंगल बी ईच 90 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री, वेरी गुड. अब टू प्रूव में हमारा क्या आ जाएगा, व्हाट वी आर टू प्रूव, दैट सीडी बाइसेक्ट्स यस एबी, बाइसेक्ट्स एबी, वेरी गुड. सो प्रूफ विल यू ट्राई बच्चे? यस मैम. मैम इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल एडीओ एंड ट्रायंगल बीसीओ, एंगल लाइन सेगमेंट एडी इज इक्वल टू बीसी गिवन. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी गिवन, एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन. ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि ट्राइंगल जो हमारी बन रही है वो ये बन रही है, तो इसमें ए बी पूरा नहीं है आपके पास. और कुछ सोचो, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपको गिवन है, ये और ये, तो वट कैन यू टेक? Vertically opposite angles. Yes, vertically opposite angles. Is it correct? Le sakte hai? Mam, by double S, double AS rule. IAAS congruency rule. The triangles are congruent. Hargun, just a moment. इन ट्राइंगल ए डी ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ हमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी, देन वी आर गिवन दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, थर्ड हमने ले लिया, ये वाले एंगल्स इक्वल ले लिए बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी. भाई अब यहाँ ध्यान देना है बेटे आपने, कि जो हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं वो ये दो बन रहे हैं, और जो साइड है वो ये है. दिस साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स. तो आपने ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगानी है, क्योंकि एंगल्स साइड पे हैं, और ये वाली जो साइड की हम बात कर रहे हैं वो अलग है, एंगल्स के बीच में नहीं है. सो ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे हम, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे. तो जो भी चीजें आपने इक्वल ली होती हैं आप उनको देख लो, आपको रूल पता लग जाएगा कौन सा है. दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, साइड बाहर है इनसे, तो ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आप लगाओगे. सो यहां आप लिख दोगे बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ओ. अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये वाली साइड जो बी ओ है, दिस इज इक्वल टू ए ओ, तो दिस इंप्लाइज बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई सी पी सी टी. अब सी पी सी टी से क्योंकि दोनों इक्वल हो गई, तो इट मीन्स कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ आएगा यहाँ पे, नॉट सी ओ, दिस इज ए ओ. BO is equal to AO, तो BO equal to AO का मतलब क्या है, CD bisects AB. Otherwise you can do it with one other way also, कि आपको ये BC और AD जो है वो equal given है, ये angles आपके 90 degree हैं, तो आपका BC और AD parallel हो गए. उसके बाद सी डी आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल भी आप ले सकते हो. तो अगर आप ये वाला एंगल ले लोगे तो ए एस ए क्राइटेरिया लगाओगे, ठीक है? तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो. ए एस ए अगर आपको क्राइटेरिया लगाना है तो ये एंगल लेना पड़ेगा. ये एंगल आप कैसे लोगे, कि ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि इन दोनों की अगर हम बात करें, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल चल रहे हैं, ठीक है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इट मींस बीसी जो है वो डीए के पैरेलल हो गई. बीसी डीए के पैरेलल है तो ये वाले भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे. तो फिर आप ए एस ए क्राइटेरिया लगाओगे. बट जैसे मैंने करवाया है उस वे में अगर हम करते हैं तो दिस इज ए ए एस क्राइटेरिया. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3.
If any doubt is there, you can ask. Now moving on to question number 4. Question number 4 mein L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines. Show that triangle ABC is congruent to triangle CBA. अब हमें given है कि दो pair of parallel lines हैं, वो intersect कर रहे हैं. L and M are two parallel lines. एक pair आपका ये given है आपको. And these are intersected by another pair P and Q. So what we are to show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. So ये point आपका A है, this is B, C. ये B दिया है book में आपका, ये D दिया है, तो जैसे book में है in the same way you will take. चलिए अब क्या लेके चले यहाँ पे, मुझे क्या गिवन है, L पैरेलल M, P पैरेलल Q, एंड आई हैव टू शो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE. P पैरेलल Q प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDE. हाँ जी, क्या करें इसमें? Every time Diya का hand raise होता है, कोई और बताओ. चलो Eva. Yes बच्चे. Ma'am, we can mark the angles 1, 2, 3, 4. हाँ जी, कहाँ क्या मार्क? सभी एंगल्स मार्क कर दूँ? कहाँ कहाँ लूँ? यहाँ लूँ? मैम एंगल 1. ओके. हम यहाँ पे नहीं मैम, जहाँ पे ट्रांसवर्सल एसी है वहाँ 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 पे दो टू एंगल्स मार्क कर. Should I mark this or not? इसको वन लू या नीचे लू? मैम एंगल सी पे आप वन ले लो. सी पे ओके, वन ले लिया, इट्स ओके. आगे एंगल टू, दिस इज एंगल टू. सेकेंड साइड के एंगल 3 ले लो, एंगल सी की. हमने एक सेकेंड, हमने एक ये वाला ट्रायंगल लिया एबीसी और दूसरा हमने ये वाला ट्रायंगल लिया. चलिए अब बताइए. एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस एंड एसी इज ट्रांसवर्सल. यस. AD parallel BC and AC transversal. So, ma'am, angle 3 equals to angle 4, alternate interior angles. Very good. These are alternate interior angles. So, angle 3 is equal to angle 4. Very good. Again, I mean the same way. AB parallel CD and AC transversal. So angle 2 equals to angle 1, alternate interior angles. Very good. चलिए अब ट्राइंगल से आ जाएंगे जिनको congruent प्रूव करना है. क्या लिखेंगे बच्चे इसमें? Angle 3 equals to angle 4. Yes. Here we will write down shown above, yeah, proved above. Next. Angle 2 equals to angle 1.
angle 2 equal to angle 1. Okay. This again we have shown above. Third condition. AC equals to AC common. Yes, AC equal to AC common. Very good. So, अब अगर आप एंगल्स को ध्यान से देखो तो दिस इज योर एंगल 2, ये वाला आपका एंगल 2 है, ये साइड है, ये एंगल 4 है, यानी कि एक ही ट्राइंगल में आपने रूल देखना है कौन सा आपका लग रहा है. यहाँ पे एंगल, देन दिस साइड एंड देन दिस एंगल, तो ए एस ए, क्योंकि साइड इंक्लूडेड है, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Very good, Eva. You can mute yourself now. Thank you, bache. So by ASA congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle CDA. तो हमें यही चीज इसमें प्रूव करनी थी. तो लास्ट में आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव. हेंस प्रूव. So I hope this one is clear. Now, just 2 more minutes we are having. Question number 5 का मैं बच्चे आपको hint दे देती हूँ, तो you will try this question yourself. Line L is bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. So we are to prove that again. यहाँ पे आपको triangles को congruent show करना है. So let me quickly give you the hint for this, and then you will try this question yourself. हमें यहाँ पे given है line L is the bisector of angle A. ये हमें angle A given है, और यहाँ पे इसका bisector है ये line L. And BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. इसके ऊपर हमें एक point B given है. B से BP और BQ जो है वो आपके दो perpendiculars बनते हैं. तो ये आपका बन रहा है. अब हमें triangle APB and AQB को show करना है. So this is your APB and this is your AQB. इनको हमें congruent show करना है. तो एक तो ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे, देन AB आपका कॉमन हो जाएगा. उसके बाद क्योंकि लाइन L जो है वो बाइसेक्ट कर रही थी एंगल A को, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा. अब यहाँ पे ध्यान दो कि एक आपका एंगल यहाँ पे है, एक आपकी साइड है, और दूसरा भी आपका एंगल है, बट इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड नहीं है, इंक्लूडेड साइड नहीं है. तो यू विल राइट डाउन AAS congruency. ठीक है, आपका एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, साइड दोनों एंगल्स से बाहर वाली है जो कॉमन आ रही है, तो AAS congruency rule से योर दीज टू ट्राइंगल्स विल बी congruent. ट्राइंगल्स congruent, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल. तो आपका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो भी आपका प्रूव हो जाएगा, दैट BP इज इक्वल टू BQ. आई होप दिस वन इज क्लियर. ओके, if any doubt is there, then you can ask. Otherwise, as the time is over, so I'm going to end the meeting. You can raise your hand if any doubt is there. Okay, I'm giving you the option to unmute if you are having any doubt.